गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग जो भी जिस समय लेक्चर देख रहा है ना। आज हम पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है उसमें क्लास नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा एडजस्टमेंट ऑफ पास्ट एरर और ओमिशंस। देखिए, जब हमने 11th क्लास में जब हम प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि अगर हमसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो हम उसे डिलीट नहीं करते हैं, उस जनरल एंट्री को डिलीट नहीं करते हैं। हम आगे जा करके पास्ट में या फ्यूचर में, चलिए पास्ट में अगर कोई भी हमसे एरर हो जाता है या हमसे कुछ चीज़ छूट जाती है, ओमिशन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि आगे जा करके उसको एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू सही करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से पार्टनरशिप में भी हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। अब यहाँ हम केवल पार्टनरशिप से रिलेटेड जो गलतियाँ हो सकती है, जो एरर्स हो सकते हैं, उससे रिलेटेड हम देखेंगे कि हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने रहते हैं और हमें वो एडजस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, एडजस्टमेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है एडजस्टमेंट एंट्री पास करके, यानी कि एक एडजस्टमेंट एंट्री आपकी हो जाएगी कोई भी अगर आपने किया है तो। अगर मान लीजिए आपने कोई एक गलती की है, लेट से कोई भी आप पार्टनरशिप से लेकर के कोई भी एक मिस्टेक्स हो सकते हैं, कोई भी एरर हो या ओमिशन हो सकते हैं, जैसे लेट से कि आपने जो पार्टनरशिप पार्टनर्स को जो क्या किया जाता है कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था, आपने वो भूल गए, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट की एक ही एंट्री करनी पड़ेगी। वो किस तरीके से होगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन और दूसरा तरीका होता है कि आप एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करो, यानी कि आपको जितनी भी एंट्रीज पास करनी है हर एक एरर के ऊपर, तो आप वो दो तीन जितनी भी एंट्रीज आपकी बनती है वो सारी एंट्रीज आप पास करो एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे आप सिंगल एंट्री पास करते हो और यहाँ पे आपको मल्टीपल एंट्रीज पास करनी रहती है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, बट उससे पहले जब हम सिंगल एंट्रीज करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं, उसके स्टेप्स हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो लेट्स से कि पहले एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि ए और बी जो थे पार्टनर थे और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:2 का, और उनका जो प्रॉफिट था लेट्स से कि कुछ भी हो रहा होगा, उनका जो कैपिटल था वो था लेट्स से 70,000 एंड जो बी का जो कैपिटल था वो था 50,000, ठीक है, और उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था। अब उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला नहीं, और उनको क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था और वो उन्हें मिला नहीं, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था पर उन्होंने उसके कोई एंट्री की नहीं, और वो था 10% पर एनम, ठीक है। अब ये वो भूल चुके हैं, ये एक तरीके का ओमिशन है। अब हमें इसको सुधारना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ेगी इस तरीके से। इसमें क्या लिखा होगा कि पार्टनर्स कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, और जितने भी पार्टनर है, मैंने यहाँ पे दो लिए हैं क्योंकि हमारी एग्जांपल में भी दो ही है और मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी दो होते हैं। अगर आपके पास तीन है तो यहाँ पे आप तीन कॉलम पार्टनर्स के बना सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट कॉलम होगा वो होगा फर्म में। अब फर्म में भी क्या इफेक्ट पड़ रहा है, डेबिट या क्रेडिट, इस तरीके से आपको लिखना है। अब अगर हम यहाँ समझे कि जो आपका कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया गया है उससे पार्टनर्स के कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अगर आप ये समझेंगे तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि पार्टनर्स के कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। पार्टनर्स कैपिटल पे ये इम्पैक्ट पड़ रहा है क्रेडिट साइड में, है ना। क्रेडिट साइड में क्यों सर, क्योंकि अगर हम पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट देने वाले थे अगर हम वो उसको देते हैं तो हम कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो यानी कि हम यहाँ पे जो एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे यानी कि जो अलग से एंट्री होने वाली है उससे का पार्टनर्स के कैपिटल पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो 70,000 का 10% यानी कि 7,000 यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 5,000। नाउ पार्टनर्स के कैपिटल पे अगर क्रेडिट साइड है तो फर्म का ये डेबिट साइड होगा क्योंकि फर्म का ये एक तरीके का एक्सपेंडिचर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि फर्म के अंदर हम डेबिट साइड में लिखेंगे और वो हो जाएगा 12,000 रुपीज़, इस तरीके से हो गया। तो अब हमने यहाँ पे समझा कि पार्टनर्स के कैपिटल पे क्या फ़र्क पड़ा और पार्टनर्स के और फर्म के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है। अब क्या एक मात्र चीज़ यही होगी, क्या बस यहीं पे हमें समाप्त कर देना चाहिए, क्या एक एंट्री है ये करके हम यहीं पे क्लोज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो ये 12,000 है ये फर्म का एक एडिशनल खर्चा आ गया जो कि हमने पहले लिखा नहीं था, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रॉफिट होगा चाहे वो कुछ भी हो वो प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब वो जो प्रॉफिट रिड्यूस होगा यानी कि एक तरीके से जो ये है ये लॉस है, ठीक है, ये जो लॉस है ये वापस से डिस्ट्रीब्यूट होगा किस में, पार्टनर्स के अंदर। तो पार्टनर्स के अंदर किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये 3:2 में, क्योंकि इन दोनों के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट साइड के अंदर अब और से एक और अमाउंट आएगा वो होगा पार्टनर्स के कैपिटल का, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल के अंदर एक और अमाउंट आएगा वो होगा लॉस का, लॉस ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये लॉस जो है वो 12,000 ये 3:2 में डिवाइड हो जाएगा, अगर आप करेंगे तो ये निकल के आएगा 24 और ये आ जाएगा 7,200 और ये आ जाएगा 48
ओके नाउ ये इस तरीके से आपको डेबिट साइड लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डेबिट साइड 7200 और 4800 और यहाँ पे आप क्रेडिट साइड लिख दोगे 15000, ठीक है, सॉरी 12000। अब अगर आप नेट इफेक्ट देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड रिकॉर्ड डेबिट एंड क्रेडिट साइड, उसके बाद आपको बैलेंस निकालना। तो हमने यहाँ पे बैलेंस निकाला, डेबिट साइड 200 और इसका क्रेडिट साइड 200। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो ए है उससे हमें 200 रुपये लेकर के बी को दे देना है, बस इतना ही आपका जो ये जो क्या बोलते हैं इसको, आपका जो जितना भी ये जो भी चीज़ें हैं ये हो जाएगी आपकी पूरी एडजस्टमेंट। देखिए यहाँ पे ये जो मैंने बैलेंस निकाला है, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस जो है आपको हर एक एंट्री के साथ नहीं करना है, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा उसके साथ एक साथ करना है, ठीक है। मैं आपको एक अलग से एक एग्जांपल दूंगा, बट आपको ये स्टेप्स समझ लेने हैं एक बार के लिए कि ये सारे स्टेप्स क्या है और जनरल एंट्री हमें किस तरीके से पास करनी है। अब ये इलस्ट्रेशन है तो यहाँ हम करना शुरू करते हैं, पी एंड क्यू इज पार्टनर और वो दोनों प्रॉफिट जो है वो इक्वली करते हैं, इनका प्रॉफिट सॉरी इनका जो कैपिटल है वो है 1,50,000 रुपीज़। उसके बाद इनका एडजस्टमेंट क्या क्या करना है, वो है कि इन्होंने फोकट है यानी कि ये भूल चुके हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, वो लगाना है। उसके अलावा मिस्टर पी एंड मिस्टर क्यू ने विड्रॉ किया था 1500 और 1000 रेस्पेक्टिवली एंड दे फोकट टू चार्ज इंटरेस्ट 6% पर एनम, ये भी ये भूल चुके हैं। और प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 50,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो हमने क्या किया, 50,000 को 3:2 में बांट दिया, जबकि हमने क्या देखा था कि उनका जो PSR है वो इक्वल है। तो अब हमें ये सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप लोग टेबल बना सकते हैं, कि यहाँ पे हम ये टेबल बनाते हैं, ये हो जाएगा P का कॉलम, ये हो जाएगा Q का कॉलम एंड देन दिस इज द फर्म्स कॉलम, दिस इज द फर्म, दिस इज Q, दिस इज P एंड दिस इज पर्टिकुलर्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होगा कि जो 1 लाख है वो सॉरी जो 1 लाख और 50,000 है उन पे इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इंटरेस्ट को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। नाउ यहाँ अगर हम इंटरेस्ट को प्रोवाइड करेंगे तो वापस से वही डेबिट ऑन क्रेडिट, नाउ ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें लगाना है 12% से, तो पी का क्या होगा, क्रेडिट होगा 1,20,000 इधर भी क्रेडिट होगा, वो होगा कितना 6,000 और ये दोनों डेबिट हो जाएंगे 18,000। उसी तरीके से फिर उसके बाद हम अगर बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो कि 1,500 और 1,000 है, ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर पी एंड क्यू विड्रो ₹1,500 and ₹1,000 रेस्पेक्टिवली एंड दे फॉरगॉट टू चार्ज इंटरेस्ट, दिस इज अमाउंट। ओके तो यहाँ पे एक गड़बड़ करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, ये लिख देते हैं पर मंथ लिख देते हैं इसको, ठीक है, और ये हम लिख देते हैं मिडिल में, ठीक है। तो यानी हमें क्या करना है, 1,500 × 6/12 × 6/100 दिस इज 2 दिस इज 45। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1500 नहीं लेंगे, 1500 × 12 तो वो आ जाएगा 18,000, ठीक है, यहाँ 18,000 और उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से निकल जाएगा, 2 जो है वो 90 आ जाएगा और 54 इसमें आ जाएगा एंड इसका जो है वो होना चाहिए 360, ठीक है, इस तरीके से, हाँ 360 इसका आ जाएगा। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम लिखेंगे इधर डेबिट साइड में इनके, तो डेबिट साइड में क्या आ जाएगा इधर 540 और इसका आ जाएगा 360 एंड देन इन दोनों का टोटल जो है वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा एंड देन क्रेडिट साइड इज 546 by 38 900, ठीक है, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। हाँ उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं इधर, एक मिनट, हाँ अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब इसको अगर हम एडजस्टमेंट एंट्री देखेंगे तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होनी चाहिए इसकी, कि हमने प्रॉफिट को गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब हमें प्रॉफिट को सही से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। तो प्रॉफिट को 3:2 में किया तो वापस से इस प्रॉफिट को 3:2 में ही डिस्ट्रीब्यूट करो, बट अलग साइड, यानी कि इस प्रॉफिट को प्रॉफिट ना मान के लॉस की तरफ करो, यानी कि डेबिट साइड में इसको वापस से डाल दो। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड में 50,000, ठीक है, और वापस से इसको करना है तो 3:2 में कर देंगे 30,000 एंड इधर आ जाएगा 20,000 डेबिट साइड में, ठीक है।
फर्म के सॉरी पार्टनर्स के कैपिटल में रिड्यूस कर दो। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका बैलेंस निकाला जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो बैलेंस निकाल सकते हो, चाहो तो आप क्या कर सकते हो, अब इसका जो प्रॉफिट और लॉस है यानी कि फर्म का जो प्रॉफिट और लॉस है वो निकालो। तो 18,000 का क्या था लॉस था और 50,900 का प्रॉफिट था। तो अगर हम यहाँ देखिए 67,100 का इधर डालना पड़ेगा यानी कि प्रॉफिट हो चुका होगा, तो हम इधर डेबिट साइड में डालेंगे 67,100। नाउ इस 67,100 को हमें क्या करना है, हमें इक्वल यानी कि जो उनका PSR है उसमें इसे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो अब हम इसे क्रेडिट साइड में डाल देंगे 67,100 को, और ये निकल के आ जाएगा कितना, जस्ट अ मिनट मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, हाँ मैं कुछ गड़बड़ मैंने की है, सॉरी। इसमें से हम इसे 18,000 रिड्यूस करेंगे तो हम आएंगे ये आएगा 32,100, ठीक है, 32,000 और देन आफ्टर 900, ओके सॉरी फॉर मिस्टेक, बट ये आंसर फाइनल है, ठीक है, 32,900। नाउ 32,900 को जब हम देखेंगे तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अब डिवाइड करेंगे, ठीक है, अब हम इसको PSR में डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 16,450। नाउ इसके भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा 16,450 एंड इसके भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा 16,450। नाउ अब हम इनका बैलेंस निकाल लेंगे और फिर उसके हिसाब से हम एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। तो ये एडजस्टमेंट क्या होगा कि 12 और 16, तो कितना आ जाएगा 12 और 16 8,450। तो मुझे एक मिनट कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जस्ट ए मिनट, एक मिनट मेरा कैलकुलेटर लेके आता हूँ। क्योंकि फास्ट नहीं हो पाएगा मेरे से इस वजह से, ओके नाउ ये हो गया 18,450 जिसमें से हमें रिड्यूस करना है 30,540। तो ये निकल के आ जाएगा 12,090, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये 12,090 जस्ट अ मिनट 16 18, हाँ ओके, तो ये किस साइड आएगा 12,090, ये क्रेडिट साइड आएगा यानी कि इसको जो है पैसा लेना है, ठीक है, इसको और पैसा लेना है 12,090 रुपीज़, इसको पैसा लेना है क्रेडिट साइड में आएगा। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, ये जो है वो निकल के जाएगा कि 16,622,450। यार ये 28 होने चाहिए ना, हाँ 18, यहाँ पे एक गड़बड़ है, 2098 यहाँ पे इस तरीके से, और ये यहाँ पे 2090 इसको पैसा देना रहेगा डेबिट साइड, यानी का मतलब है इसको पैसा देना है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जस्ट ए मिनट, इसको थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ, यानी कि हमें क्या करना है कि हमें बी कैपिटल को डेबिट करना है टू एज कैपिटल करना है, और ये 2,090 रुपीज़ ला करके ए को दे देगा, ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। अब यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला 2,090 कैलकुलेट करना क्योंकि कैसे आया, दूसरा ये बताना कि बी से लेना है कि ए से लेना है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ और उसको समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं पहले एंट्री की बात करूँ, यानी कि मैं केवल एक एंट्री की बात करूँ कि इंटरेस्ट को भूल गए थे, ठीक है, इंटरेस्ट को देना भूल गए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ए को फर्म से 12,000 रुपीज़ लेने हैं और बी को 6,000 रुपीज़ लेने हैं फर्म से, ठीक है। अब इन दोनों का कंबाइन कितना होता है 18,000, ठीक है, इन दोनों का कंबाइन क्या होता है 18,000। नो फर्म तो अपने पास से ला करके देगी नहीं ना, फर्म क्या होता है एक कलेक्टिव, इन दोनों का एक कलेक्शन ही तो है, इन दोनों का एक जो कॉम्बिनेशन ही तो फर्म है, ऐसे अलग से कुछ है तो नहीं। तो यहाँ पे ये जो 18,000 है ये फर्म से ही ला के दिया जाएगा, दैट मीन्स कि ये दोनों 9,000 में डिवाइड कर लेंगे, दैट मीन्स पी जो है वो 3,000 जो है उसके पास आना चाहिए था, एक्स्ट्रा आना चाहिए था, उसको मिला नहीं, यानी और ये जो है ये पी है, ठीक है, उसको मैं थोड़ा इधर और लेता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा इसको, इसको यहाँ पे है ना। तो 3,000 पी को ए को यहाँ पे लेने थे, ठीक है, पी को लेने थे और क्यू को वो 3,000 जो है देने थे। उसके बाद सेकंड नंबर पे आया इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट क्या था, पी का जो था वो था 540, ठीक है, और क्यू का था 360, दैट मीन्स पी को 540 जो है वो फर्म को देने थे और क्यू को 360 फर्म को देने थे। इन दोनों का कलेक्टिव अमाउंट जो है वो निकल गया है 900 और फर्म इसको डिवाइड कर देंगे 450 और 450, यानी कि फर्म ने क्या किया 450 वापस इसको दे दिया और 450 वापस से पी को दे दिया। तो अब फर्म क्या कहेगी कि देखो तुमसे लेना 360 है और मुझे तुम्हें देना है 450, ठीक है, तुमसे लेना है 360 देना है 450, मैं क्या करूँगा तुमसे 90 रुपीज़ देऊँगा। तो यहाँ पे क्या होगा 90 रुपीज़, देखा यहाँ ये नेगेटिव कर लेते हैं, है ना, यानी कि पी क्यू को देना रहा, यहाँ 90 रुपीज़ क्यू को मिलेगा,
यहाँ 90 रुपीज़ क्या होगा, क्यू को मिलेगा, और वहीं पी को 90 रुपीज़ यहाँ पे देना रहेगा। ठीक है, पी को यहाँ पे 90 रुपीज़ देना रहेगा। ना उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर पे था 50,000 रुपीज़ को हमने क्या किया कि इस तरीके से डिवाइड कर दिया 30,000 और 20,000। ठीक है, जबकि ये जो डिवाइडेशन है ये इस तरीके से नहीं होना था, ये डिवाइडेशन होना था किस तरीके से 50,000 को 25 एंड 25। ठीक है, 25 एंड 25 इस तरीके से डिवाइड होना था। नाउ पी के पास कितना चला गया, पी के पास चला गया 30,000 रुपीज़। पी के पास कितना चला गया 30,000 रुपीज़, जबकि उसे कितना मिलना था, उसे मिलना था 25,000 रुपीज़। उसे कितना मिला था 25,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि उसे 25,000 रुपीज़ मिला था, जबकि उसके पास कितना चला गया, उसके पास चला गया 30,000 रुपीज़। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5,000 को क्या करे, वो पी को सॉरी क्यू को दे दे, और यहीं पे उसे 5,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ और कोई दिक्कत आएगी नहीं, फर्म को रिलेटेड रिलेशन है नहीं, क्योंकि आप दोनों ने कुछ गड़बड़ किया है। मैंने तो प्रॉफिट पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, अब उस फॉर्म उस प्रॉफिट को आपने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आप सही रेशियो करो और जो भी बैलेंस बचा है वो ले लो। तो अगर हम यहाँ देखें तो 5,090 क्या है, देना रहा। ठीक है, 5,090 जो है वो देना था और 3,000 लेना था, तो 2,090 जो है वो देना रहा। ठीक है, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा 2,090 लेना था। तो लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर लिखेंगे क्यू की कैपिटल को, क्योंकि देखिए मेरी बात सुनिए, हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या हम ये एंट्री करेंगे टू पीज कैपिटल अकाउंट, या फिर इसकी रिवर्स एंट्री होगी, ये एंट्री नहीं होगी, इसकी रिवर्स एंट्री होगी, क्या होगी, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एंट्री, यहाँ मैं एंट्री आपको बता देता हूँ, यहाँ एंट्री होगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, और दिस इज 2090 एंड 2090। ठीक है, एंड दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर कॉन्सेप्ट कि हमें इसमें एंट्री किस तरीके से करनी है। आई होप आपको समझ में आएगा, मैंने आपको एक लॉन्ग मेथड बताया जिसमें आपको एग्जामिनेशन में करना है, फिर अगर आपको उसे रीचेक करना है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरीके से रीचेक कर सकते हो, हर एक एडजस्टमेंट यानी कि हर एक एंट्री के यानी हर एक जो आपका एडजस्टमेंट है उसके ऊपर आप देख सकते हो कि उसमें क्या रहा, और देन आफ्टर उसको आप रीचेक कर सकते हो। इसमें आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंटली है, पहली चीज़ है कि आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है, और दूसरा है कि किससे लेना है और किसको देना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको फिर एंट्री करनी रहेगी। ठीक है, Why I am confusing this, यार ओके नाउ ये आप मेरे को एक बार और चेक कर लेना, ठीक है, कि ये सही है या नहीं है। आई होप कि ये सही थी, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ के मैंने बताया आपको, बट एक बार आप इसको चेक कर लेना कि क्या ये एंट्री मैंने सही की है या नहीं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग इसको देख पा रहे हैं या नहीं पा रहे। ठीक है, मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि क्या ये सही है या नहीं है। नाउ उसके बाद आता है सेकेंड नंबर पे एडजस्टमेंट बाई एंट्रीज। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, हर एक की अलग अलग एंट्रीज डाल देंगे। तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंंट, और उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उसके अलावा हर एक एडजस्ट एंट्री के जो भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती जाएगी, और लास्ट में जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। प्रॉफिट के लिए एंट्री और लॉस के लिए क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल टू दिस इज अकाउंट। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे दो मेथड किस तरीके से वर्क करते हैं। एक में हमने क्या किया कि कोई अकाउंट नहीं बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, हम क्या कर रहे थे, एक स्टेटमेंट बना रहे थे, उस स्टेटमेंट में अंदर डाले जा रहे थे सारी चीज़ें, और उसका फिर बैलेंस को हमने दोनों पार्टनर या तीनों पार्टनर जितने पार्टनर है उनके अंदर हमने उसको बैलेंस को मैच कर लिया, और हमने बता दिया कि हमने ये एडजस्टमेंट एंट्री पास की है जिसका स्टेटमेंट हम उसमें अटैच कर देंगे वर्किंग नोट के अंदर। जबकि ये जो एडजस्टमेंट बाई मल्टीपल एंट्रीज है उसमें हम क्या करते हैं कि हर एक एडजस्टमेंट के लिए अलग एंट्री पास की जाती है, जिससे कि जो देखने वाला होता है वो उसको भी पता चल जाए कि इन्होंने क्या किया है। ठीक है, नाउ यहाँ पे जिस पार्टनर को मिलने वाला है उसको नीचे लिया जाता है। ठीक है, और अभी हमने यहाँ क्या देखा कि यहाँ पर भी हमने जिस पार्टनर को मिलने वाला है उसको नीचे लिया है, दैट मीन्स ये एंट्री इज़ ए करेक्ट एंट्री। ओके, या पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा ना जिसको भी मिलना है। ओके, और यहाँ पे इसका क्रेडिट बैलेंस आया था, दैट मींस आपको यहाँ लेके आना है। ठीक है, यहाँ 90 लेके आना पड़ेगा ना, इसका बैलेंस जो है वो इस तरफ आया ना। ओके, तभी मैं सोचूँ मैंने यहाँ कैसे गड़बड़ हुई।
ओके दैट मीन्स देखिए यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, अब आपको डेबिट करना पड़ेगा ना 2090, तभी तो बैलेंस बराबर होगा। इधर भी जीरो आएगा, मतलब इधर भी जो आएगा टोटल वो भी इधर आएगा। और अगर इसमें डेबिट साइड में लिखना है तो हमें पी के अकाउंट को डेबिट साइड करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब सिमिलर एग्जांपल है जिसमें आप ये जो एंट्रीज है वो कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। आप इसको एक बार अपनी बुक से देख करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको उसको सॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, गुड डे, गुड बाय।